अंडा वालों ने अच्छे से पढ़ के रिसर्च करके इंडियन की इंडियन रोड्स को देखते हुए बिल्ड क्वालिटी थी बहुत अच्छी। गाड़ी के बारे में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताने वाला हूँ। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पहले उनकी लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, उसको पहले बताना। सो गाइस, अब इसके इंजन की बात की जाए। गाइस, इसका इंजन इतना रिफाइंड क्यों है, क्योंकि इसमें एक काउंटर बैलेंसर दिया गया है, जिसके कारण अगर आप इस बाइक को 100 प्लस स्पीड में लेके जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये गाड़ी काफ़ी भारी है या 180 किलोस की है ये गाड़ी। और आपको जो इसका सीजी है काफ़ी नीचे दिया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये हेल्प करता है गाड़ी को बहुत हल्का करने में, आप पूरा वेट बैलेंस कर देता है। हैंडल से अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आप सबसे पहले क्लच देखिए, स्लीपर क्लच दिया हुआ है जिसमें अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट इतना स्मूथ हो जाता है, काफ़ी हेल्प करता है गियरिंग शिफ्टिंग में। आप देख सकते हैं एकदम मक्खन जैसे गाड़ी चलती है। उसके बाद इसमें टॉगल स्विच दिया है, जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस गाड़ी का। गाइस, इस टॉगल स्विच से आप इसका मेन मेन्यू, प्लस अगर आप कहीं राइड पे गए हैं, आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है मोबाइल को, तो आप इस गाड़ी में नेविगेशन देख सकते हैं पूरा। इसमें आपको डायरेक्शन शो करेगा यहाँ पे, अभी मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और डायरेक्शन के साथ साथ इसमें आपको नोटिफिकेशन, आपके मोबाइल में कौन सा मैसेज आया है वो तक शो करेगा। इनफैक्ट अभी आप देख सकते हैं कंसोल के अंदर बैटरी परसेंटेज भी शो कर रहा है कि 12.8 वोल्ट है की बैटरी अभी इसमें है, और टाइम शो कर रहा है, गियर इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर है। साथ ही साथ इसमें हम लोग अगर मेन्यू में जाएं, रेंज शो कर रहा है कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, उस फ्यूल से आपकी बाइक कितनी किलोमीटर चलेगी। रेंज देख रहे हैं 251 किलोमीटर इसमें लिखा हुआ है, तो काफ़ी हेल्प करता है टॉगल स्विच। इस बाइक का सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि आपकी कॉर्नरिंग में अगर आप हाई स्पीड पे हैं तो हेल्प करता है स्लिपेज से, स्लाइडिंग से, और रियर टायर आपका स्लाइड नहीं करता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको राइडिंग पोजीशन पे। और बहुत सी वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर ऑफ ऑन कैसे करते हैं वो नहीं बताते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी ट्रैक्शन कंट्रोल हमारा ऑन है, अगर इसको आपको ऑफ करना है तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दो पुश बटन दी गई है, एक ये डाउन वाली, अगर आप पुश करे रहेंगे
तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है। इसमें देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल अब ऑफ हो चुका है। अगर इसी को ऑन करना है तो इसको प्रेस कर दीजिए तो ऑन हो गया। गाइस, इस बाइक में एक और बहुत तगड़ा फीचर है, होंडा स्टेबल टॉर्क कंट्रोल। ये क्या करता है, टॉर्क कंट्रोल सिस्टम क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बाइक में बैठ के दिखाना चाहता हूँ। जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं तो आप लोग देखा होगा कि कुछ लड़के क्या करते हैं, बाइक स्टार्ट किए और एक बार की क्लच छोड़ते हैं, एक्सीलेटर छोड़ते हैं, थोड़ा रेव ज़्यादा करते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग का जो रियर टायर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लाइड करता है, वही हेल्प करता है टॉर्क कंट्रोल सिस्टम जो है इसको स्लाइड ना होने। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये फर्स्ट गियर डाला, देखिए अगर हम हार्ड रेव दिए तो गियर जो हम लोग का टायर था वो स्लाइड नहीं किया। अगर हम लोग टॉर्क कंट्रोल सिस्टम ऑफ कर देते हैं, जो कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो ये जो रियर टायर है। इस बाइक के बारे में एक दो पॉइंट और है। पहला सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, 15 लीटर का टैंक है, काफ़ी हैवी टैंक दिया गया है। आपको कहीं भी अगर लॉन्ग रूट पे जाना है तो बहुत हेल्प करेगा। और सबसे दूसरा पॉइंट है कि इसमें एक हॉर्न ये है और एक हॉर्न ये रहा, डुअल हॉर्न दिया गया है विथ क्रोम फिनिश, देख सकते हैं आप। काफ़ी लाउड हॉर्न है, मैं सुना देता हूँ। गाइस, अब शुरुआत करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट नेगेटिव जो मुझे लगा इस बाइक में, इसकी हेडलाइट। हेडलाइट क्या है कि गाइस, अगर आप ऑन करिए, देख सकते हैं ये ऊपर 17 वाट का दिया हुआ है और जो डीपर है इसका ये 12 वाट का दिया हुआ है। आपको सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको इस हेडलाइट को लेकर के। खास करके आपको आफ्टर मार्केट ऑक्सिलरी लाइट वगैरह लगानी ही पड़ेगी इसमें। गाइस, जो मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल खुद का रिव्यू है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये गाइस, जो इसमें मुझे सेकंड नेगेटिव पॉइंट लगा कि जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल का छोटा सा डिस्प्ले, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते तो काफ़ी अच्छा लुक आता और देखने में आसानी होती, क्योंकि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और जो थर्ड पॉइंट है नेगेटिव, वो मुझे लगी सीट इसकी। सीट क्यों, क्योंकि जो पिनियन बैठता है इस पे, बैठने के बाद जगह बिल्कुल नहीं रह जाती है और इवन यहाँ पे कुछ फील लगता है कि मिसिंग है यहाँ पे, बिल्कुल भी बैक रेस्ट सपोर्ट नहीं रहता है यहाँ पे। गाइस, इसकी एग्जॉस्ट नोट की बात करते हैं तो इसका एग्जॉस्ट नोट तो काफ़ी अच्छा है, थंबी है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि आप काफ़ी लॉन्ग ड्राइव कर लीजिए तो थोड़ी देर के बाद इसमें से फटने फटने की आवाज़ आने लगती है। अभी आप एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं, मैं रेव कर रहा हूँ। लास्ट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बचे हैं, वो हालांकि नहीं गिने जाते हैं नेगेटिव में, लेकिन मेरे तरफ से है, क्योंकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, यहाँ पे कोई भी इसका डीलरशिप नहीं है, होंडा बिग विंग का कोई भी डीलरशिप नहीं है। ये बाइक हम लोगों ने कानपुर से खरीदी है, पहला नेगेटिव पॉइंट ये। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये, इसका सर्विस सेंटर भी आपको जल्दी कहीं नहीं मिलने वाला है। हम लोगों को जब भी इसको सर्विस कराना होता है तो सिर्फ और सिर्फ होंडा के बिग विंग सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, जो कि बनारस में है, लखनऊ में है, कानपुर में, लेकिन प्रयागराज में नहीं मिलने वाला आपको। और इसमें हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, वो क्या किया है, एक दो पॉइंट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें हम लोगों ने रॉयल इनफील्ड का लेग गार्ड लगाया है। बिकॉज क्यों लगाया है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को और पूरा क्रोम फिनिश में रहता है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें जो आपका फ्रंट मड गार्ड है कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होने के कारण जब हम लोग पानी में लेके जाते हैं ना तो यहाँ से छिट्टा काफ़ी हम लोग के बाइक पे भी आता है, इंजन पे भी आता है, और हम लोगों ने ये अलग से लगाया है मतलब आप देख सकते हैं रबड़ का। और थर्ड पॉइंट की बात की जाए, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर पूरा ECU है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मड फ्लैप था काफ़ी ज़्यादा छोटा था, सिर्फ यहीं तक था, तो हम लोगों ने ये अलग से लगाया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा, ये देख रहे हैं पूरा जॉइंट करके लगाया है, जो कि हेल्प करता है हम लोग को ECU को बचाने के लिए, पानी छिट्टा अगर हम लोग लेके जाते हैं पानी वगैरह में बाइक को, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, अभी इस बाइक में हम लोग और मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, वो क्या रहेगा, हेडलाइट का रहेगा, सीट का रहेगा और बैक रेस्ट का रहेगा। और हम लोग की गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, इसकी फर्स्ट सर्विस में अप्रॉक्स 2000 रुपये खर्चा आया। और जब हम लोग सर्विस सेंटर पर ले गए तो बेस्ट पार्ट क्या मुझे लगा ना कि जनरली हर जगह डिस्क ब्रेक को साफ़ नहीं किया जाता है, ब्रेक पैड को साफ नहीं किया जाता है, वहाँ पर बिगविंग में इसका डिस्क ब्रेक का पैच निकाल के साफ किया गया है, वो बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ तक आ चुके हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट के लिए। और आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ सारे कमेंट्स का। और
अगर इस बाइक की स्पेसिफिकेशन जाननी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। थैंक यू।